तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर फ्रैंकलिन और उसके क्लासमेट आज सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। भाई साहब मजा आ गया, फाइनली 14 अगस्त आ चुकी है, आज मुझे सैलरी मिलने वाली है भाई साहब और बोनस भी मिलेगा साथ में, बिकॉज 15 अगस्त जो है कल के दिन। चलो भाई शोरूम पे तो आ चुके हैं, अब फटाफट यार काम चालू करते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, कल रात को तो इसको रिपेयर करी थी मैंने, इसमें टायर में क्या दिक्कत हो गई यार, टायर घूम ही नहीं रहा इसका। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, मजाक समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई काम कंप्लीट करता हूँ, कस्टमर इसका आता ही होगा यार। अरे बॉस आप इतना जल्दी कैसे आ गए आज? वो सब छोड़ो फ्रैंकलिन, मुझे ये बताओ कल के हिसाब में गड़बड़ कैसे है? जितने कस्टमर आए थे ना उतने पैसे बने नहीं है। सर आपको लग रहा होगा कि मैंने पैसे चुराए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। अरे नहीं फ्रैंकलिन, मैं पैसे चुराने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हिसाब में गड़बड़ है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दो। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दो ठीक है। 10,099 में अगर मैं 1 रुपया जोड़ूं तो वो कितने हो जाएंगे? अरे सर ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर है 11,100। सॉरी सर 1100। अरे मतलब मेरा मतलब 11,000। ओके फ्रैंकलिन समझ गया मैं, अब कल से काम पर मत आना, निकल जाओ। यार मैंने तो एकदम सही जवाब दिया था, मेरे को जो आपसे निकाल दिया यार, पता नहीं मैं अब क्या करने वाला हूँ। सवाल क्या था भाई, 10,099 और क्या पूछा था सर ने, पूछा था कि स्पेलिंग बताओ पैरेट की, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या काम करूंगा यार। बॉस बहुत ही बेकार आदमी है भाई, आज मुझे सैलरी भी नहीं दी, बोला 2 दिन बाद आके ले जाना, कल 15 अगस्त है मैं करूंगा क्या, अब तो यार कोई रास्ता बचा ही नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी अब, लेकिन कैसे करूंगा यार। मैंने इस शहर में इतना बड़ा स्कूल तो खोल लिया, लेकिन भाई स्टूडेंट कोई आ नहीं रहा, लगता है मुझे फ्री में पढ़ाना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद ही मैं पैसे चार्ज कर पाऊंगा। अरे तुम रो क्यों रहे हो यार, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े होके भी रोते हो। अरे सर जाके अपना काम करो ना, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। अच्छा सॉरी भाई, मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। क्या बताऊँ सर, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती इसलिए। अरे यार ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैंने एक ना न्यू स्कूल ओपन किया है, तुम वहाँ पे आ सकते हो और फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, मेरी गारंटी है तुम 1 महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा होशियार हो जाओगे, बस ट्रेन पकड़ के हाईवे स्कूल पे आ जाना ठीक है, चलता हूँ मैं। चलो गाइस इसके स्कूल देख कर आते हैं यार, तो उसने बोला था कि ट्रेन पकड़ के हाईवे स्कूल पे आ जाना। भाई लगता है बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कूल होगा, मतलब ट्रेन वहाँ पे रुक रही है, तो सोच के देखो भाई कितना बड़ा स्कूल हो सकता है। अरे यार यहाँ पे तो टिकट लग रहे हैं, मेरे पास तो टिकट है ही नहीं, टिकट के पैसे भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आई अभी तक। एक काम करता हूँ, जो बंदा है ना ब्लैकमेल में टिकट बेचता है, अगर यहाँ पर 20 रुपए की टिकट हुई तो मैं खरीद लूंगा उसको। 2 टिकट होगी ना जाने की और आने की, भाई कितने रुपए लग जाएंगे, 40 रुपए हो जाएंगे टोटल। चलो बुलाते हैं उस बंदे को। देखो भाई मुझे पता है यार तुम ब्लैक में टिकट सेल करते हो, मुझे यार 2 टिकट दे दो, मुझे हाईवे स्कूल जाना है। वो तो ठीक है, चलो 200 रुपए दे दो, अभी टिकट देता हूँ तुम्हें। 200 रुपए भाई, एक टिकट 100 रुपए का है, मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, कुछ और जुगाड़ बताओ। तो गाइस यार काफी ज्यादा बहसबाजी करने के बाद इसने मुझे बोला कि हमारा एक पुराना प्लेन पड़ा हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर, वो तुम यहाँ पर लेके आओ क्योंकि हमें उसमें से फ्यूल निकालना है। चलो भाई प्लेन तो मुझे मिल गया, लेकिन पुराना तो नहीं लग रहा, ये एकदम नया लग रहा है, उड़ा के देखता हूँ। अच्छा अब समझ में आया भाई, अंदर के पुर्जे इसके ढीले पड़े हैं पूरे, कोई बात नहीं यार, बड़े आराम से लेके जाना पड़ेगा मुझे पेट्रोल पंप पे, और यहाँ से वो फ्यूल तो निकाल लेंगे और उसके बदले मुझे मिल जाएंगे फ्री में टिकट। अरे भाई यार ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, एक काम करो तुम 1,000 रुपए रखो और ये 2 टिकट भी फ्री मिले जाओ। ऑलराइट गाइस अपनी तो लॉटरी लग चुकी है, फ्री में 1,000 रुपीज भी मिल गए, टिकट भी मिल गए। ओके भाई अभी ट्रेन आधे रास्ते पहुंच चुकी है, लेकिन अभी काफी दूर जाना है यार, 30 मिनट का रास्ता है टोटल। गाइस यार स्कूल पे आ चुका हूँ मैं, भाई मैं रास्ते में देख रहा था बहुत ही ज्यादा बड़ी स्कूल है, और साथ में यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट और आए, ये देखो बाप रे बाप कितनी ज्यादा बड़ी स्कूल है, उस बंदे ने भाई इतनी बड़ी स्कूल ओपन करी है, लगता है यार यहाँ के टीचर बहुत ही ज्यादा अमीर है। भाई इस स्कूल में मैं फ्री में पढ़ाई करने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ में कुछ और स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, शायद ये भी फ्री में पढ़ाई करने वाले हैं क्योंकि ये भी आज ही एडमिशन लेने आए यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, तो यार तुम सबका स्वागत है मेरी स्कूल के अंदर। देखो यार ये स्कूल काफी ज्यादा दूर है ना सिटी में, इसलिए यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स वगैरह आते नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी पढ़ाने का तरीका या फिर कुछ भी पसंद आए ना तो आगे लोगों को जरूर बताना इस स्कूल के बारे में। तो अभी मैं तुम्हें सबसे पहले ABCD यानी कि अल्फाबेट सिखाने वाला हूँ, इसकी मदद से तुम स्पेलिंग बना सकते हो और स्पेलिंग से वर्ड सीख सकते हो, लेकिन तुम सब लोग टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। यस सर। यार आज की क्लास में तो बहुत कुछ सीखने को मिला, A for apple, B for boy,
भाई मजा आ गया आज तो पढ़ाई करके। चलो बाइक लेके घर चलते हैं। अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यार फ्रैंकलिन तुम मुझे है ना बहुत ज्यादा मेहनती लगते हो, मैं तुम्हें एक काम बता रहा हूँ, प्लीज मना मत करना। देखो यार कल है ना 15 अगस्त है और मैंने सभी नए स्टूडेंट को इनवाइट किया है, तुम भी आना। लेकिन मैं तुम्हें कुछ लोकेशन बता रहा हूँ, वहाँ पर है ना तुम्हें कुछ चीजें हैं जो तुम्हें लानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी भारत की शान तिरंगा, जो कि तुम्हें यार रेनबो बिल्डिंग के ऊपर मिलने वाला है, तो यार बड़े ध्यान से लेकर आना। और हाँ वो तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, पहले उसे ढूंढना पड़ेगा। यार हमारे टीचर कितना ज्यादा अच्छा है यार। भाई अभी एक दिन हुआ है यहाँ पर सबने एडमिशन लिया है और भाई कल के दिन 15 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए लेट्स गो भाई। ओके मुझे सामने वाली बिल्डिंग पे लैंड करना होगा। बस बस यहाँ पर, अरे कुछ ज्यादा आगे नहीं जा रहा मैं। अरे नहीं यार भाई मुझे बिल्डिंग पर लैंड होना था। अरे भाई साहब वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इजी रास्ते से जाऊँगा भाई, आराम से चलते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी करके कोई मतलब नहीं है, नीचे गिरेंगे। ओके अब सामने वाली बिल्डिंग पे मुझे जंप करना है, यहाँ से करते हैं। ज़्यादा जोरों से जंप नहीं मारनी है, अबे थोड़ी तो जंप मारनी थी, बच गए भाई, मुझे लगा नीचे जाएगा। अब मुझे जाना है यहाँ से राइट में, तो पहले बाइक को घुमा लेते हैं बढ़िया तरीके से। मुझे लगा यार ड्रिफ्ट मारेगी भाई, बेइज्जती करवा रही है बाइक। अब सामने जो रेनबो बिल्डिंग दिख रही है उसके टॉप पार्ट पे मुझे जंप लेनी है, वहीं पर मुझे मिलेगा तिरंगा। ओके आराम आराम से भाई, बस वहां पर रेनबो बिल्डिंग पे मुझे लैंड करना है। पहुंच गए बस थोड़ी सी दूर। अबे आगे नहीं भाई। अरे बाप रे बच गया यार। और फाइनली हमें अपना प्यारा तिरंगा मिल चुका है भाई, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब इसको मैं अपनी नई स्कूल में लगाऊंगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, सभी मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। और सर ने मुझे बोला था कि तिरंगा वाली या फिर कोई भी अच्छी सी आउटफिट पहन के आना, तो यार मेरे को एक आउटफिट के बारे में पता है जो कि विलेज की सामने वाली बिल्डिंग पे मिलेगी। ये रही गाइस वो आउटफिट, कितनी शानदार है, सैल्यूट वाली आउटफिट, पूरा तिरंगा बना हुआ है इसके ऊपर, कितनी ज्यादा प्यारी लगेगी ये। लेकिन उसके लिए मुझे इस बिल्डिंग के टॉप पे जाना पड़ेगा यार, क्या प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं इसके पीछे जाके कोई ऊपर जाने का रास्ता है या फिर नहीं। गाइस पता नहीं कैसे बट यहाँ पर पहले से एक रास्ता बना हुआ है। चलो भाई सारे डस्टबिन के ऊपर चढ़ जाते हैं जल्दी से। और लेकिन बिल्डिंग के ऊपर कैसे जाऊंगा यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए वहां पर। ओके गाइस अभी मैं दोनों बिल्डिंग के बीच में आ चुका हूँ, बट ये क्या है ब्लू कलर का भाई? अच्छा ये तो कंटेनर है। एक सेकंड, अरे यहाँ पे बटन आ गए, बटन दबा के देखता हूँ। अरे भाई लिफ्ट की तरह काम कर रहा है ये तो, क्या बात है भाई, इसकी मदद से मैं तो बहुत आसानी से ऊपर जा सकता हूँ। चलो गाइस फाइनली मैं टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ। फाइनली गाइस मुझे आउटफिट भी मिल चुकी है यार, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। इसके ऊपर तो यहाँ पर अशोक चक्र भी बना हुआ है। चलो फटाफट इसको घर लेके चलता हूँ, घर पे जाकर तिरंगा और ये आउटफिट दोनों साफ करूंगा। सबसे ज्यादा मजा तो भाई ये लिफ्ट चलाने में आ रहा है भाई, कितनी ज्यादा स्पीड में नीचे जा रही है। अरे भाई ठुक ना जाऊं मैं, बच गया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 15 अगस्त और मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूं अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस। जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध। तो गाइस मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।